तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सी 3 मूवी के बारे में। टैक्सी 3 मूवी जो कि साल 2003 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा लोग साल 2003 में रिलीज़ होने वाली मूवी टैक्सी 3 मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी टैक्सी 3 मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो, इस मूवी को देखना पसंद करते हो, तो आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में टैक्सी 3 मूवी का रिव्यू देने वाले हैं। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की फुल टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है इस मूवी को, कितने बजट में टैक्सी 3 मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टैक्सी 3 मूवी ने किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में हम फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अगर आपको यह मूवी देखना चाहिए तो कहां पर आपको देखने को मिलेगा एंड IMDB रेटिंग पर कितना रेटिंग और कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है, फुल डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। टैक्सी 3 एक फ्रेंच की मूवी है जो कि 2003 में रिलीज़ हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो कि डायरेक्ट की गई है गेरार्ड क्रावेट्स द्वारा। गेरार्ड क्रावेट्स जो कि एक फ्रेंच के फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो टैक्सी 3 मूवी को लिखा है लूसी बैसोन ने। लूसी बैसोन जो कि एक फ्रेंच के ही फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने कि सबवे द बिग ब्लू, ले फैमे निकिता जैसी मूवीज़ को बनाया है। प्रोड्यूसर की बात करें, टैक्सी 3 मूवी को प्रोड्यूस भी किया है लूसी बैसोन ने। और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको टैक्सी 3 मूवी में देखने को मिल जाते हैं, सो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में सैमी नसेरी देखने को मिल जाते हैं। सैमी नसेरी जो कि एक फ्रेंच के ही एक्टर हैं, काफ़ी जाने पहचाने एक्टर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। उसके आगे फ्रेडरिक डेफेंथल देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मारियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाते हैं एंड बर्नार्ड फैरसी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूरोपा कॉरपोरेशन ने। एंड उसके आगे बात कर लेते हैं टैक्सी 3 मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ की, तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है यूरोपा कॉर्प, ARP सिलेक्शन, एपीपोलाई, TF1 फिल्म्स प्रोडक्शन एंड कैनल प्लस। उसके आगे रिलीजिंग डेट की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी रिलीज़ हुआ था जो कि 29 जनवरी 2003 में, जो कि फ्रांस में रिलीज़ हुआ था। रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 84 मिनट्स है। उसके आगे बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की, तो यह मूवी ऑफिशियली आपको फ्रेंच लैंग्वेज में देखने को मिलेगा क्योंकि फ्रांस की यह मूवी है, लेकिन आप इस मूवी को काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देख सकते हो। इस मूवी का डब्ड वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके आगे बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी का जो बजट है वो है $14.5 मिलियन एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $64.5 मिलियन का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सैमी नसेरी ने डैनियल मोरालेस के कैरेक्टर को प्ले किया है। फ्रेडरिक डेफेंथल ने एमिलाइन काउंटांट कैरबालेक के कैरेक्टर को प्ले किया है। मारियन कॉटिलार्ड ने लिली बर्टिनाउ के कैरेक्टर को प्ले किया है। बर्नार्ड फारसी ने कॉमिसेर गेरार्ड गेवर्ट के कैरेक्टर को प्ले किया है। एदाउड मैंटोटे ने एलेन के कैरेक्टर को प्ले किया है एंड एमा विकलंड ने पेट्रा के कैरेक्टर को प्ले किया है। जो मेन एक्ट्रेस हैं उसके आगे काफ़ी आपको को एक्ट्रेस भी इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने आपको इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में तो बता दिया है, अब बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। खुद को सेंटा क्लाउज गिरोह कहने वाले चोरों का एक समूह डकैती करने के लिए सेंटा क्लाउज की वेशभूषा का उपयोग करके कहर बरपा रहा है और मार्सिलिया पुलिस हमेशा की तरह ऐसा करने में असमर्थ है। अदिक्षिया ग्रिवर्ट
एक चीनी पत्रकार द्वारा अपने दस्ते पर एक कहानी लिखने से विचलित हो जाता है और लुटेरों को रोकने में असमर्थ है। जासूस एमिलियन की पत्नी पेट्रा ने अभी घोषणा की है कि वह गर्भवती है और टैक्सी ड्राइवर डैनियल रिश्ते के संकट से जूझ रहा है। उसकी लंबे समय से पीड़ित प्रेमिका लिली सुबह 4 बजे उसे अपनी टैक्सी को अनुकूलित करते हुए देखकर उसे दूर चली गई और शिकायत की कि उसका घर महज एक गैरेज बन गया है और डैनियल ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। कई गलतियों के बाद, जिसमें चोर बार बार पुलिस को मात देते हैं, पत्रकार का अपहरण कर लिया जाता है। जय पता चला है कि पत्रकार सेंटा क्लाउस गिरोह का नेता है। पुलिस तलाश में जाती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के एक और असफल प्रयास के बाद एमिलियन को पकड़ लिया जाता है। पत्रकार को जाल बिछाया, वह एमिलियन को एक पुराने गोदाम में एक कुर्सी से बांधकर सीधे एक विशाल गेंद के रास्ते में छोड़ देती हैं, जो 5 मिनट बाद उसे कुचल देगी। आखिरी क्षण में डैनियल अपनी टैक्सी लेकर दौड़ता है और उसे बचाता है। वह गिरोह को स्विच पहाड़ों में उसके ठिकाने तक ट्रैक करते हैं, जहां पत्रकार और उसके साथियों को अल्पाइन सैनिकों की एक क्रैंक टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसके साथ एक विमान से छलांग लगाने के बाद गिवर्ट एक बर्फ से ढकी झील में उतरता है। पेट्रा बच्चे को जन्म देती है। डैनियल लिली को प्रपोज करता है और गिवर्ट को बर्फ से ढकी ग्लेशियर में इधर उधर धकेलते हुए देखा जाता है। सो ये इस मूवी का जो स्टोरी है, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा। एंड आपको बता दें कि टैक्सी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, मूवीज़ की फ्रेंचाइजी है, जिसका ये थर्ड पार्ट है। हमने इस वीडियो में थर्ड पार्ट का रिव्यू किया है एंड इसकी डिटेल्स आपको बताई हैं, कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के बारे में बताया है, प्लॉट के बारे में बताया है। और टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुआ था, जो कि सीक्वल था 2000 में रिलीज़ हुई टैक्सी 2 मूवी का। टैक्सी 2 मूवी 2000 में रिलीज़ हुई थी एंड टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। सो ये डिटेल्स हैं इस मूवी की, काफ़ी अच्छी आपको ये मूवी लगेगी अगर आपको एक्शन और कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली अगर आप फ्रेंच का सिनेमा देखना पसंद करते हो। आगे हम बात कर लेते हैं कि कहां पर आप टैक्सी 3 मूवी को देख सकते हो। अगर आप रैली में टैक्सी 3 मूवी को देखना पसंद करते हो, तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नेटफ्लिक्स एक ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म है एंड आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी होगी, फिर आप इस मूवी को देख सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। टैक्सी 3 मूवी का IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है एंड इस मूवी को 45,000 लोगों ने वोट्स किया है। सो यह कुछ डिटेल्स, आई होप कि आपको डिटेल्स अच्छी लगी होगी। ज़रूर से आप टैक्सी 3 मूवी को देख लेना एंड आज का यह मूवी रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और फिल्मी रिव्यू के इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सी 3 मूवी के बारे में। टैक्सी 3 मूवी जो कि साल 2003 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग साल 2003 में रिलीज़ होने वाली मूवी टैक्सी 3 मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी टैक्सी 3 मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो, इस मूवी को देखना पसंद करते हो, तो आज के इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में टैक्सी 3 मूवी का रिव्यू देने वाले हैं। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की फुल टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है इस मूवी को, कितने बजट में टैक्सी 3 मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टैक्सी 3 मूवी ने किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में हम फुल डिटेल में इस मूवी का
रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अगर आपको यह मूवी देखना चाहिए तो कहां पर आपको देखने को मिलेगा एंड IMDB रेटिंग पर कितना रेटिंग और कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है, फुल डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। टैक्सी 3 एक फ्रेंच की मूवी है जो कि 2003 में रिलीज़ हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो कि डायरेक्ट की गई है गेरार्ड क्रावेट्स द्वारा। गेरार्ड क्रावेट्स जो कि एक फ्रेंच के फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो टैक्सी 3 मूवी को लिखा है लूसी बैसोन ने। लूसी बैसोन जो कि एक फ्रेंच के ही फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि सबवे द बिग ब्लू ले फैमे निकिता जैसी मूवीज़ को बनाया है। प्रोड्यूसर की बात करें टैक्सी 3 मूवी को प्रोड्यूस भी किया है लूसी बैसोन ने। और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको टैक्सी 3 मूवी में देखने को मिल जाते हैं, सो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में सैमी नसेरी देखने को मिल जाते हैं। सैमी नसेरी जो कि एक फ्रेंच के ही एक्टर हैं, काफ़ी जाने पहचाने एक्टर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। उसके आगे फ्रेडरिक डेफेंथल देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मारियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाते हैं एंड बर्नार्ड फैरसी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूरोपा कॉरपोरेशन ने। एंड उसके आगे बात कर लेते हैं टैक्सी 3 मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ की, तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है यूरोपा कॉर्प, ARP सिलेक्शन, एपीपोलाई, TF1 फिल्म्स प्रोडक्शन एंड कैनल प्लस। उसके आगे रिलीजिंग डेट की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी रिलीज़ हुआ था जो कि 29 जनवरी 2003 में, जो कि फ्रांस में रिलीज़ हुआ था। रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 84 मिनट्स है। उसके आगे बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की तो यह मूवी ऑफिशियली आपको फ्रेंच लैंग्वेज में देखने को मिलेगा क्योंकि फ्रांस की यह मूवी है, लेकिन आप इस मूवी को काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देख सकते हो, इस मूवी का डब्ड वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके आगे बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी का जो बजट है वो है $14.5 मिलियन एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $64.5 मिलियन का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सैमी नसेरी ने डैनियल मोरालेस के कैरेक्टर को प्ले किया है। फ्रेडरिक डेफेंथल ने एमिलाइन काउंटांट कैरबालेक के कैरेक्टर को प्ले किया है। मारियन कॉटिलार्ड ने लिली बर्टिनाउ के कैरेक्टर को प्ले किया है। बर्नार्ड फारसी ने कॉमिसेर गेरार्ड गेवर्ट के कैरेक्टर को प्ले किया है। एदाउड मैंटोटे ने एलेन के कैरेक्टर को प्ले किया है एंड एमा विकलंड ने पेट्रा के कैरेक्टर को प्ले किया है। जो मेन एक्ट्रेस हैं उसके आगे काफ़ी आपको को एक्ट्रेस भी इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने आपको इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में तो बता दिया है, अब बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। खुद को सेंटा क्लाउज गिरोह कहने वाले चोरों का एक समूह डकैती करने के लिए सेंटा क्लाउज की वेशभूषा का उपयोग करके कहर बरपा रहा है और मार्सिलिया पुलिस हमेशा की तरह ऐसा करने में असमर्थ है। अदिश्या ग्रवर्ट एक चीनी पत्रकार द्वारा अपने दस्ते पर एक कहानी लिखने से विचलित हो जाता है और लुटेरों को रोकने में असमर्थ है। जासूस एमिलियन की पत्नी पेट्रा ने अभी घोषणा की है कि वह गर्भवती है और टैक्सी ड्राइवर डैनियल रिश्ते के संकट से जूझ रहा है। उसकी लंबे समय से पीड़ित प्रेमिका लिली सुबह 4 बजे उसे अपनी टैक्सी को अनुकूलित करते हुए देखकर उसे दूर चली गई और शिकायत की कि उसका घर महज एक गैरेज बन गया है और डैनियल ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। कई गलतियों के बाद जिसमें चोर बार बार पुलिस को मात देते हैं, पत्रकार का अपहरण कर लिया जाता है।
जय पता चल चल चला है कि पत्रकार सेंटा क्लाउस गिरोह का नेता है। पुलिस तलाश में जाती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के एक और असफल प्रयास के बाद एमिलियन को पकड़ लिया जाता है। पत्रकार को जाल बिछाया, वह एमिलियन को एक पुराने गोदाम में एक कुर्सी से बांधकर सीधे एक विशाल गेंद के रास्ते में छोड़ देती हैं, जो 5 मिनट बाद उसे कुचल देगी। आखिरी क्षण में डैनियल अपनी टैक्सी लेकर दौड़ता है और उसे बचाता है। वह गिरोह को स्विच पहाड़ों में उसके ठिकाने तक ट्रैक करते हैं, जहां पत्रकार और उसके साथियों को अल्पाइन सैनिकों की एक क्रैंक टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसके साथ एक विमान से छलांग लगाने के बाद गिवर्ट एक बर्फ से ढकी झील में उतरता है। पेट्रा बच्चे को जन्म देती है। डैनियल लिली को प्रपोज करता है और गिवर्ट को बर्फ से ढकी ग्लेशियर में इधर उधर धकेलते हुए देखा जाता है। सो ये इस मूवी का जो स्टोरी है, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा। एंड आपको बता दें कि टैक्सी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, मूवीज़ की फ्रेंचाइजी है, जिसका ये थर्ड पार्ट है। हमने इस वीडियो में थर्ड पार्ट का रिव्यू किया है एंड इसकी डिटेल्स आपको बताई हैं, कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के बारे में बताया है, प्लॉट के बारे में बताया है। और टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुआ था, जो कि सीक्वल था 2000 में रिलीज़ हुई टैक्सी 2 मूवी का। टैक्सी 2 मूवी 2000 में रिलीज़ हुई थी एंड टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। सो ये डिटेल्स हैं इस मूवी की, काफ़ी अच्छी आपको ये मूवी लगेगी अगर आपको एक्शन और कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली अगर आप फ्रेंच का सिनेमा देखना पसंद करते हो। आगे हम बात कर लेते हैं कि कहां पर आप टैक्सी 3 मूवी को देख सकते हो। अगर आप रैली में टैक्सी 3 मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नेटफ्लिक्स एक ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म है एंड आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी होगी, फिर आप इस मूवी को देख सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। टैक्सी 3 मूवी का IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है एंड इस मूवी को 45,000 लोगों ने वोट्स किया है। सो यह कुछ डिटेल्स, आई होप कि आपको डिटेल्स अच्छी लगी होगी। ज़रूर से आप टैक्सी 3 मूवी को देख लेना एंड आज का यह मूवी रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और फिल्मी रिव्यू के इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सी 3 मूवी के बारे में। टैक्सी 3 मूवी जो कि साल 2003 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग साल 2003 में रिलीज़ होने वाली मूवी टैक्सी 3 मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी टैक्सी 3 मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो, इस मूवी को देखना पसंद करते हो, तो आज के इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में टैक्सी 3 मूवी का रिव्यू देने वाले हैं। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की फुल टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है इस मूवी को, कितने बजट में टैक्सी 3 मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टैक्सी 3 मूवी ने किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में हम फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अगर आपको यह मूवी देखना चाहिए तो कहां पर आपको देखने को मिलेगा एंड IMDb रेटिंग पर कितना रेटिंग और कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है, फुल डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। टैक्सी 3 एक फ्रेंच की मूवी है जो कि 2003 में रिलीज़ हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो कि डायरेक्ट की गई है गेरार्ड क्रावेट्स द्वारा। गेरार्ड क्रावेट्स जो कि एक फ्रेंच के फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो टैक्सी 3 मूवी को लिखा है लूसी बैसोन ने। लूसी बैसोन जो कि एक फ्रेंच के ही फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने कि सबवे द बिग ब्लू, ले फैमे निकिता जैसी मूवीज़ को बनाया है।
प्रोड्यूसर की बात करें, टैक्सी 3 मूवी को प्रोड्यूस भी किया है लूसी बैसॉन ने। और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको टैक्सी 3 मूवी में देखने को मिल जाते हैं, सो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में सैमी नसेरी देखने को मिल जाते हैं। सैमी नसेरी जो कि एक फ्रेंच के ही एक्टर हैं, काफ़ी जाने पहचाने एक्टर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। उसके आगे फ्रेडरिक डेफेंथल देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मारियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाते हैं, एंड बर्नार्ड फैरसी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूरोपा कॉरपोरेशन ने। एंड उसके आगे बात कर लेते हैं टैक्सी 3 मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ की, तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है यूरोपा कॉर्प, ARP सिलेक्शन, एपीपोलाई, TF1 फिल्म्स प्रोडक्शन एंड कैनल प्लस। उसके आगे रिलीजिंग डेट की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी रिलीज़ हुआ था जो कि 29 जनवरी 2003 में, जो कि फ्रांस में रिलीज़ हुआ था। रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 84 मिनट्स है। उसके आगे बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की, तो यह मूवी ऑफिशियली आपको फ्रेंच लैंग्वेज में देखने को मिलेगा क्योंकि फ्रांस की यह मूवी है, लेकिन आप इस मूवी को काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देख सकते हो, इस मूवी का डब्ड वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके आगे बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी का जो बजट है वो है $14.5 मिलियन एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $64.5 मिलियन का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सैमी नसेरी ने डैनियल मोरालेस के कैरेक्टर को प्ले किया है, फ्रेडरिक डेफेंथल ने एमिलाइन काउंटांट कैरबालेक के कैरेक्टर को प्ले किया है, मारियन कॉटिलार्ड ने लिली बर्टिनाउ के कैरेक्टर को प्ले किया है, बर्नार्ड फारसी ने कॉमिसेर गेराड गेवर्ट के कैरेक्टर को प्ले किया है, एदाउड मैंटोटे ने एलेन के कैरेक्टर को प्ले किया है, एंड एमा विकलंड ने पेट्रा के कैरेक्टर को प्ले किया है। जो मेन एक्ट्रेस हैं उसके आगे काफ़ी आपको को एक्ट्रेस भी इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने आपको इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में तो बता दिया है, अब बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। खुद को सेंटा क्लाउज गिरोह कहने वाले चोरों का एक समूह डकैती करने के लिए सेंटा क्लाउज की वेशभूषा का उपयोग करके कहर बरपा रहा है, और मार्सिलिया पुलिस हमेशा की तरह ऐसा करने में असमर्थ है। अदिश्या ग्रवर्ट एक चीनी पत्रकार द्वारा अपने दस्ते पर एक कहानी लिखने से विचलित हो जाता है और लुटेरों को रोकने में असमर्थ है। जासूस एमिलियन की पत्नी पेट्रा ने अभी घोषणा की है कि वह गर्भवती है, और टैक्सी ड्राइवर डैनियल रिश्ते के संकट से जूझ रहा है। उसकी लंबे समय से पीड़ित प्रेमिका लिली सुबह 4 बजे उसे अपनी टैक्सी को अनुकूलित करते हुए देखकर उसे दूर चली गई और शिकायत की कि उसका घर महज एक गैरेज बन गया है और डैनियल ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। कई गलतियों के बाद, जिसमें चोर बार बार पुलिस को मात देते हैं, पत्रकार का अपहरण कर लिया जाता है। जय पता चला है कि पत्रकार सेंटा क्लाउज गिरोह का नेता है। पुलिस तलाश में जाती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के एक और असफल प्रयास के बाद एमिलियन को पकड़ लिया जाता है। पत्रकार को जाल बिछाया, वह एमिलियन को एक पुराने गोदाम में एक कुर्सी से बांधकर सीधे एक विशाल गेंद के रास्ते में छोड़ देती हैं, जो 5 मिनट बाद उसे कुचल देगी। आखिरी क्षण में डैनियल अपनी टैक्सी लेकर दौड़ता है और उसे बचाता है। वह गिरोह को स्विच पहाड़ों में उसके ठिकाने तक ट्रैक करते हैं, जहां पत्रकार और उसके साथियों को अल्पाइन सैनिकों की एक
क्रैंक टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसके साथ एक विमान से छलांग लगाने के बाद गिवर्ट एक बर्फ से ढकी झील में उतरता है। पेट्रा बच्चे को जन्म देती है। डैनियल लिली को प्रपोज करता है और गिवर्ट को बर्फ से ढकी ग्लेशियर में इधर उधर धकेलते हुए देखा जाता है। सो ये इस मूवी का जो स्टोरी है, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा। एंड आपको बता दें कि टैक्सी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, मूवीज़ की फ्रेंचाइजी है, जिसका ये थर्ड पार्ट है। हमने इस वीडियो में थर्ड पार्ट का रिव्यू किया है एंड इसकी डिटेल्स आपको बताई हैं, कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के बारे में बताया है, प्लॉट के बारे में बताया है। और टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुआ था, जो कि सीक्वल था 2000 में रिलीज़ हुई टैक्सी 2 मूवी का। टैक्सी 2 मूवी 2000 में रिलीज़ हुई थी एंड टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। सो ये डिटेल्स हैं इस मूवी की, काफ़ी अच्छी आपको ये मूवी लगेगी अगर आपको एक्शन और कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली अगर आप फ्रेंच का सिनेमा देखना पसंद करते हो। आगे हम बात कर लेते हैं कि कहां पर आप टैक्सी 3 मूवी को देख सकते हो। अगर आप रैली में टैक्सी 3 मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नेटफ्लिक्स एक ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म है एंड आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी होगी फिर आप इस मूवी को देख सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। टैक्सी 3 मूवी का IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है एंड इस मूवी को 45,000 लोगों ने वोट्स किया है। सो यह कुछ डिटेल्स, आई होप कि आपको डिटेल्स अच्छी लगी होगी। ज़रूर से आप टैक्सी 3 मूवी को देख लेना एंड आज का यह मूवी रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और फिल्मी रिव्यू के इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सी 3 मूवी के बारे में। टैक्सी 3 मूवी जो कि साल 2003 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग साल 2003 में रिलीज़ होने वाली मूवी टैक्सी 3 मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी टैक्सी 3 मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो, इस मूवी को देखना पसंद करते हो, तो आज के इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में टैक्सी 3 मूवी का रिव्यू देने वाले हैं। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की फुल टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है इस मूवी को, कितने बजट में टैक्सी 3 मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टैक्सी 3 मूवी ने किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में हम फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अगर आपको यह मूवी देखना चाहिए तो कहां पर आपको देखने को मिलेगा एंड IMDb रेटिंग पर कितना रेटिंग और कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है, फुल डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। टैक्सी 3 एक फ्रेंच की मूवी है जो कि 2003 में रिलीज़ हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो कि डायरेक्ट की गई है गेरार्ड क्रावेट्स द्वारा। गेरार्ड क्रावेट्स जो कि एक फ्रेंच के फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो टैक्सी 3 मूवी को लिखा है लूसी बैसोन ने। लूसी बैसोन जो कि एक फ्रेंच के ही फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने कि सबवे द बिग ब्लू, ले फैमे निकिता जैसी मूवीज़ को बनाया है। प्रोड्यूसर की बात करें, टैक्सी 3 मूवी को प्रोड्यूस भी किया है लूसी बैसोन ने। और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको टैक्सी 3 मूवी में देखने को मिल जाते हैं, सो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में सैमी नसेरी देखने को मिल जाते हैं। सैमी नसेरी जो कि एक फ्रेंच के ही एक्टर हैं, काफ़ी जाने पहचाने एक्टर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। उसके आगे फ्रेडरिक डेफेंथल देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मारियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाते हैं एंड बर्नार्ड फैरसी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूरोपा कॉरपोरेशन ने। एंड उसके आगे बात कर लेते हैं टैक्सी 3 मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ की, तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है यूरोपा कॉर्प, ARP सिलेक्शन, एपीपोलाई,
TF1 Films Production एंड कैनल प्लस। उसके अगर रिलीजिंग डेट की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी रिलीज़ हुआ था जो कि 29 जनवरी 2003 में, जो कि फ्रांस में रिलीज़ हुआ था। रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 84 मिनट्स है। उसके आगे बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की, तो यह मूवी ऑफिशियली आपको फ्रेंच लैंग्वेज में देखने को मिलेगा क्योंकि फ्रांस की यह मूवी है, लेकिन आप इस मूवी को काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देख सकते हो। इस मूवी का डब्ड वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके आगे बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी का जो बजट है वो है $14.5 मिलियन एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $64.5 मिलियन का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन से एक्टर ने किस के करेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सैमी नसेरी ने डैनियल मोरालेस के करेक्टर को प्ले किया है। फ्रेडरिक डेफेंथल ने एमिलाइन काउंटांट कैरबालेक के करेक्टर को प्ले किया है। मारियन कॉटिलार्ड ने लिली बर्टिनाउ के करैक्टर को प्ले किया है। बर्नार्ड फारसी ने कॉमिसेर गेराड गेवर्ट के करैक्टर को प्ले किया है। एदाउड मैंथोटे ने एलेन के करैक्टर को प्ले किया है एंड एमा विकलंड ने पेट्रा के करैक्टर को प्ले किया है। जो मेन एक्ट्रेस हैं उसके आगे काफ़ी आपको को एक्ट्रेस भी इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने आपको इस मूवी के करैक्टर्स के बारे में तो बता दिया है, अब बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। खुद को सेंटा क्लाउज गिरोह कहने वाले चोरों का एक समूह डकैती करने के लिए सेंटा क्लाउज की वेशभूषा का उपयोग करके कहर बरपा रहा है और मार्सिलिया पुलिस हमेशा की तरह ऐसा करने में असमर्थ है। अदिश्या ग्रवर्ट एक चीनी पत्रकार द्वारा अपने दस्ते पर एक कहानी लिखने से विचलित हो जाता है और लुटेरों को रोकने में असमर्थ है। जासूस एमिलियन की पत्नी पेट्रा ने अभी घोषणा की है कि वह गर्भवती है और टैक्सी ड्राइवर डैनियल रिश्ते के संकट से जूझ रहा है। उसकी लंबे समय से पीड़ित प्रेमिका लिली सुबह 4 बजे उसे अपनी टैक्सी को अनुकूलित करते हुए देखकर उसे दूर चली गई और शिकायत की कि उसका घर महज एक गैरेज बन गया है और डैनियल ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। कई गलतियों के बाद जिसमें चोर बार बार पुलिस को मात देते हैं, पत्रकार का अपहरण कर लिया जाता है। जय पता चला है कि पत्रकार सेंटा क्लाउज गिरोह का नेता है। पुलिस तलाश में जाती है लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के एक और असफल प्रयास के बाद एमिलियन को पकड़ लिया जाता है। पत्रकार को जाल बिछाया, वह एमिलियन को एक पुराने गोदाम में एक कुर्सी से बांधकर सीधे एक विशाल गेंद के रास्ते में छोड़ देती हैं जो 5 मिनट बाद उसे कुचल देगी। आखिरी क्षण में डैनियल अपनी टैक्सी लेकर दौड़ता है और उसे बचाता है। वह गिरोह को स्विच पहाड़ों में उसके ठिकाने तक ट्रैक करते हैं जहां पत्रकार और उसके साथियों को अल्पाइन सैनिकों की एक क्रैंक टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसके साथ एक विमान से छलांग लगाने के बाद गिवर्ट एक बर्फ़ से ढकी झील में उतरता है। पेट्रा बच्चे को जन्म देती है। डैनियल लिली को प्रपोज करता है और गिवर्ट को बर्फ़ से ढकी ग्लेशियर में इधर उधर धकेलते हुए देखा जाता है। सो ये इस मूवी का जो स्टोरी है, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा। एंड आपको बता दें कि टैक्सी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, मूवीज़ की फ्रेंचाइजी है जिसका ये थर्ड पार्ट है। हमने इस वीडियो में थर्ड पार्ट का रिव्यू किया है एंड इसकी डिटेल्स आपको बताई हैं, कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के बारे में बताया है, प्लॉट के बारे में बताया है। और टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुआ था जो कि सीक्वल था
में रिलीज़ हुई टैक्सी टू मूवी का। टैक्सी टू मूवी 2000 में रिलीज़ हुई थी एंड टैक्सी थ्री मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। सो ये डिटेल्स हैं इस मूवी की, काफ़ी अच्छी आपको ये मूवी लगेगी अगर आपको एक्शन और कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली अगर आप फ्रेंच का सिनेमा देखना पसंद करते हो। आगे हम बात कर लेते हैं कि कहां पर आप टैक्सी थ्री मूवी को देख सकते हो। अगर आप रैली में टैक्सी थ्री मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नेटफ्लिक्स एक ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म है एंड आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी होगी फिर आप इस मूवी को देख सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। टैक्सी थ्री मूवी का IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है एंड इस मूवी को 45,000 लोगों ने वोट्स किया है। सो यह कुछ डिटेल्स, आई होप कि आपको डिटेल्स अच्छी लगी होगी। ज़रूर से आप टैक्सी थ्री मूवी को देख लेना एंड आज का यह मूवी रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और फिल्मी रिव्यू के इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सी थ्री मूवी के बारे में। टैक्सी थ्री मूवी जो कि साल 2003 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग साल 2003 में रिलीज़ होने वाली मूवी टैक्सी थ्री मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी टैक्सी थ्री मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो, इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज के इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में टैक्सी थ्री मूवी का रिव्यू देने वाले हैं। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की फुल टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है इस मूवी को, कितने बजट में टैक्सी थ्री मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टैक्सी थ्री मूवी ने किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में हम फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अगर आपको यह मूवी देखना चाहिए तो कहां पर आपको देखने को मिलेगा एंड IMDb रेटिंग पर कितना रेटिंग और कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है, फुल डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। टैक्सी थ्री एक फ्रेंच की मूवी है जो कि 2003 में रिलीज़ हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो कि डायरेक्ट की गई है गेरार्ड क्रावेट्स द्वारा। गेरार्ड क्रावेट्स जो कि एक फ्रेंच के फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो टैक्सी थ्री मूवी को लिखा है लूसी बैसोन ने। लूसी बैसोन जो कि एक फ्रेंच के ही फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि सबवे द बिग ब्लू, ले फैमे निकिता जैसी मूवीज़ को बनाया है। प्रोड्यूसर की बात करें टैक्सी थ्री मूवी को प्रोड्यूस भी किया है लूसी बैसोन ने। और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको टैक्सी थ्री मूवी में देखने को मिल जाते हैं, सो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में सैमी नसेरी देखने को मिल जाते हैं। सैमी नसेरी जो कि एक फ्रेंच के ही एक्टर हैं, काफ़ी जाने पहचाने एक्टर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। उसके आगे फ्रेडरिक डेफेंथल देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मारियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाते हैं एंड बर्नार्ड फैरसी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो टैक्सी थ्री मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूरोपा कॉरपोरेशन ने एंड उसके आगे बात कर लेते हैं टैक्सी थ्री मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है यूरोपा कॉर्प, ARP सिलेक्शन, एपीपोलाई, TF1 फिल्म्स प्रोडक्शन एंड कैनल प्लस। उसके आगे रिलीजिंग डेट की बात करें तो टैक्सी थ्री मूवी रिलीज़ हुआ था जो कि 29 जनवरी 2003 में जो कि फ्रांस में रिलीज़ हुआ था। रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 84 मिनट्स है। उसके आगे बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की तो यह मूवी ऑफिशियली आपको फ्रेंच लैंग्वेज में देखने को मिलेगा क्योंकि फ्रांस की यह मूवी है, लेकिन आप इस मूवी को काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देख सकते हो। इस मूवी का डब्ड वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके आगे बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो टैक्सी थ्री मूवी का जो बजट है वो है $14.5 million एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $64.5 million का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में।
सैमी नसेरी ने डैनियल मोरालेस के करैक्टर को प्ले किया है। फ्रेडरिक डेफेंथल ने एमिलाइन काउंटांट कैरबालेक के करैक्टर को प्ले किया है। मारियन कॉटिलार्ड ने लिली बर्टिनाउ के करैक्टर को प्ले किया है। बर्नार्ड फारसी ने कॉमिसेर गेराड गेवर्ट के करैक्टर को प्ले किया है। एदाउड मैंटोटे ने एलेन के करैक्टर को प्ले किया है। एंड एमा विकलंड ने पेट्रा के करैक्टर को प्ले किया है। जो मेन एक्ट्रेस हैं उसके आगे काफ़ी आपको को एक्ट्रेस भी इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने आपको इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में तो बता दिया है, अब बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। खुद को सेंटा क्लाउज गिरोह कहने वाले चोरों का एक समूह डकैती करने के लिए सेंटा क्लाउज की वेशभूषा का उपयोग करके कहर बरपा रहा है, और मार्सिलिया पुलिस हमेशा की तरह ऐसा करने में असमर्थ है। अदिश्या ग्रवर्ट एक चीनी पत्रकार द्वारा अपने दस्ते पर एक कहानी लिखने से विचलित हो जाता है और लुटेरों को रोकने में असमर्थ है। जासूस एमिलियन की पत्नी पेट्रा ने अभी घोषणा की है कि वह गर्भवती है, और टैक्सी ड्राइवर डैनियल रिश्ते के संकट से जूझ रहा है। उसकी लंबे समय से पीड़ित प्रेमिका लिली सुबह 4 बजे उसे अपनी टैक्सी को अनुकूलित करते हुए देखकर उसे दूर चली गई और शिकायत की कि उसका घर महज एक गैरेज बन गया है और डैनियल ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। कई गलतियों के बाद, जिसमें चोर बार बार पुलिस को मात देते हैं, पत्रकार का अपहरण कर लिया जाता है। जय पता चला है कि पत्रकार सेंटा क्लाउज गिरोह का नेता है। पुलिस तलाश में जाती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के एक और असफल प्रयास के बाद एमिलियन को पकड़ लिया जाता है। पत्रकार को जाल बिछाया, वह एमिलियन को एक पुराने गोदाम में एक कुर्सी से बांधकर सीधे एक विशाल गेंद के रास्ते में छोड़ देती हैं, जो 5 मिनट बाद उसे कुचल देगी। आखिरी क्षण में डैनियल अपनी टैक्सी लेकर दौड़ता है और उसे बचाता है। वह गिरोह को स्विच पहाड़ों में उसके ठिकाने तक ट्रैक करते हैं, जहां पत्रकार और उसके साथियों को अल्पाइन सैनिकों की एक क्रैंक टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसके साथ एक विमान से छलांग लगाने के बाद गिवर्ट एक बर्फ से ढकी झील में उतरता है। पेट्रा बच्चे को जन्म देती है। डैनियल लिली को प्रपोज करता है और गिवर्ट को बर्फ से ढकी ग्लेशियर में इधर उधर धकेलते हुए देखा जाता है। सो ये इस मूवी का जो स्टोरी है, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा। एंड आपको बता दें कि टैक्सी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, मूवीज़ की फ्रेंचाइजी है, जिसका ये थर्ड पार्ट है। हमने इस वीडियो में थर्ड पार्ट का रिव्यू किया है एंड इसकी डिटेल्स आपको बताई हैं, कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के बारे में बताया है, प्लॉट के बारे में बताया है। और टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुआ था, जो कि सीक्वल था 2000 में रिलीज़ हुई टैक्सी 2 मूवी का। टैक्सी 2 मूवी 2000 में रिलीज़ हुई थी एंड टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। सो ये डिटेल्स हैं इस मूवी की, काफ़ी अच्छी आपको ये मूवी लगेगी अगर आपको एक्शन और कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली अगर आप फ्रेंच का सिनेमा देखना पसंद करते हो। आगे हम बात कर लेते हैं कि कहां पर आप टैक्सी 3 मूवी को देख सकते हो। अगर आप रैली में टैक्सी 3 मूवी को देखना पसंद करते हो, तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नेटफ्लिक्स एक ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म है एंड आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी होगी, फिर आप इस मूवी को देख सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। टैक्सी 3 मूवी का IMDb रेटिंग 5.8
8 out of 10 है एंड इस मूवी को 45,000 लोगों ने वोट्स किया है। सो यह कुछ डिटेल्स, आई होप कि आपको डिटेल्स अच्छी लगी होगी। ज़रूर से आप टैक्सी 3 मूवी को देख लेना। एंड आज का यह मूवी रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और फिल्मी रिव्यू के इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सी 3 मूवी के बारे में। टैक्सी 3 मूवी जो कि साल 2003 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग साल 2003 में रिलीज़ होने वाली मूवी टैक्सी 3 मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी टैक्सी 3 मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो, इस मूवी को देखना पसंद करते हो, तो आज के इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में टैक्सी 3 मूवी का रिव्यू देने वाले हैं। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की फुल टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है इस मूवी को, कितने बजट में टैक्सी 3 मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टैक्सी 3 मूवी ने किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में हम फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अगर आपको यह मूवी देखना चाहिए तो कहां पर आपको देखने को मिलेगा एंड IMDB रेटिंग पर कितना रेटिंग और कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है, फुल डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। टैक्सी 3 एक फ्रेंच की मूवी है जो कि 2003 में रिलीज़ हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो कि डायरेक्ट की गई है गेरार्ड क्रावेट्स द्वारा। गेरार्ड क्रावेट्स जो कि एक फ्रेंच के फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो टैक्सी 3 मूवी को लिखा है लूसी बैसोन ने। लूसी बैसोन जो कि एक फ्रेंच के ही फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि सबवे द बिग ब्लू, ले फैमे निकिता जैसी मूवीज़ को बनाया है। प्रोड्यूसर की बात करें टैक्सी 3 मूवी को प्रोड्यूस भी किया है लूसी बैसोन ने। और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको टैक्सी 3 मूवी में देखने को मिल जाते हैं, सो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में सैमी नसेरी देखने को मिल जाते हैं। सैमी नसेरी जो कि एक फ्रेंच के ही एक्टर हैं, काफ़ी जाने पहचाने एक्टर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। उसके आगे फ्रेडरिक डेफेंथल देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मारियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाते हैं एंड बर्नार्ड फैरसी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूरोपा कॉरपोरेशन ने। एंड उसके आगे बात कर लेते हैं टैक्सी 3 मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ की, तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है यूरोपा कॉर्प, ARP सिलेक्शन, एपीपोलाई, TF1 फिल्म्स प्रोडक्शन एंड कैनल प्लस। उसके आगे रिलीजिंग डेट की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी रिलीज़ हुआ था जो कि 29 जनवरी 2003 में, जो कि फ्रांस में रिलीज़ हुआ था। रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 84 मिनट्स है। उसके आगे बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की तो यह मूवी ऑफिशियली आपको फ्रेंच लैंग्वेज में देखने को मिलेगा क्योंकि फ्रांस की यह मूवी है, लेकिन आप इस मूवी को काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देख सकते हो, इस मूवी का डब्ड वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके आगे बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी का जो बजट है वो है $14.5 मिलियन एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $64.5 मिलियन का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सैमी नसेरी ने डैनियल मोरालेस के कैरेक्टर को प्ले किया है। फ्रेडरिक डेफेंथल ने एमिलाइन काउंटांट कैरबालेक के कैरेक्टर को प्ले किया है। मारियन कॉटिलार्ड ने लिली बर्टिनाउ के कैरेक्टर को प्ले किया है। बर्नार्ड फारसी ने कॉमिसेर गेरार्ड गेवर्ट के कैरेक्टर को प्ले किया है। एदाउड मैंतोटे ने एलेन के कैरेक्टर को प्ले किया है एंड एमा विकलंड ने पेट्रा के कैरेक्टर को प्ले किया है। जो मेन एक्ट्रेस हैं उसके आगे काफ़ी आपको को एक्ट्रेस भी इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने आपको इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में तो बता दिया है, अब बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में।
खुद को सेंटा क्लाउज गिरोह कहने वाले चोरों का एक समूह डकैती करने के लिए सेंटा क्लाउज की वेशभूषा का उपयोग करके कहर बरपा रहा है, और मार्सिलिया पुलिस हमेशा की तरह ऐसा करने में असमर्थ है। अदिश्या ग्रवर्ट एक चीनी पत्रकार द्वारा अपने दस्ते पर एक कहानी लिखने से विचलित हो जाता है और लुटेरों को रोकने में असमर्थ है। जासूस एमिलियन की पत्नी पेट्रा ने अभी घोषणा की है कि वह गर्भवती है, और टैक्सी ड्राइवर डैनियल रिश्ते के संकट से जूझ रहा है। उसकी लंबे समय से पीड़ित प्रेमिका लिली सुबह 4 बजे उसे अपनी टैक्सी को अनुकूलित करते हुए देखकर उसे दूर चली गई और शिकायत की कि उसका घर महज एक गैरेज बन गया है और डैनियल ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। कई गलतियों के बाद, जिसमें चोर बार बार पुलिस को मात देते हैं, पत्रकार का अपहरण कर लिया जाता है। जय पता चला है कि पत्रकार सेंटा क्लाउज गिरोह का नेता है। पुलिस तलाश में जाती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के एक और असफल प्रयास के बाद एमिलियन को पकड़ लिया जाता है। पत्रकार को जाल बिछाया, वह एमिलियन को एक पुराने गोदाम में एक कुर्सी से बांधकर सीधे एक विशाल गेंद के रास्ते में छोड़ देती हैं, जो 5 मिनट बाद उसे कुचल देगी। आखिरी क्षण में डैनियल अपनी टैक्सी लेकर दौड़ता है और उसे बचाता है। वह गिरोह को स्विच पहाड़ों में उसके ठिकाने तक ट्रैक करते हैं, जहां पत्रकार और उसके साथियों को अल्पाइन सैनिकों की एक क्रैंक टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसके साथ एक विमान से छलांग लगाने के बाद गिवर्ट एक बर्फ से ढकी झील में उतरता है। पेट्रा बच्चे को जन्म देती है। डैनियल लिली को प्रपोज करता है और गिवर्ट को बर्फ से ढकी ग्लेशियर में इधर उधर धकेलते हुए देखा जाता है। सो ये इस मूवी का जो स्टोरी है, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा। एंड आपको बता दें कि टैक्सी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, मूवीज़ की फ्रेंचाइजी है, जिसका ये थर्ड पार्ट है। हमने इस वीडियो में थर्ड पार्ट का रिव्यू किया है एंड इसकी डिटेल्स आपको बताई हैं, कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के बारे में बताया है, प्लॉट के बारे में बताया है। और टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुआ था, जो कि सीक्वल था 2000 में रिलीज़ हुई टैक्सी 2 मूवी का। टैक्सी 2 मूवी 2000 में रिलीज़ हुई थी एंड टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। सो ये डिटेल्स हैं इस मूवी की, काफ़ी अच्छी आपको ये मूवी लगेगी अगर आपको एक्शन और कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली अगर आप फ्रेंच का सिनेमा देखना पसंद करते हो। आगे हम बात कर लेते हैं कि कहां पर आप टैक्सी 3 मूवी को देख सकते हो। अगर आप रैली में टैक्सी 3 मूवी को देखना पसंद करते हो, तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नेटफ्लिक्स एक ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म है एंड आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी होगी, फिर आप इस मूवी को देख सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। टैक्सी 3 मूवी का IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है एंड इस मूवी को 45,000 लोगों ने वोट्स किया है। सो यह कुछ डिटेल्स, आई होप कि आपको डिटेल्स अच्छी लगी होगी। ज़रूर से आप टैक्सी 3 मूवी को देख लेना एंड आज का यह मूवी रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और फिल्मी रिव्यू के इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सी 3 मूवी के बारे में। टैक्सी 3 मूवी जो कि साल 2003 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग साल 2003 में रिलीज़ होने वाली मूवी
टैक्सी 3 मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी टैक्सी 3 मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो, इस मूवी को देखना पसंद करते हो, तो आज की इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में टैक्सी 3 मूवी का रिव्यू देने वाले हैं। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की फुल टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है इस मूवी को, कितने बजट में टैक्सी 3 मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टैक्सी 3 मूवी ने किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में हम फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अगर आपको यह मूवी देखना चाहिए तो कहां पर आपको देखने को मिलेगा एंड IMDB रेटिंग पर कितना रेटिंग और कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है, फुल डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। टैक्सी 3 एक फ्रेंच की मूवी है जो कि 2003 में रिलीज़ हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो कि डायरेक्ट की गई है गेरार्ड क्रावेट्स द्वारा। गेरार्ड क्रावेट्स जो कि एक फ्रेंच के फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो टैक्सी 3 मूवी को लिखा है लूसी बैसोन ने। लूसी बैसोन जो कि एक फ्रेंच के ही फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने कि सबवे द बिग ब्लू, ले फैमे निकिता जैसी मूवीज़ को बनाया है। प्रोड्यूसर की बात करें, टैक्सी 3 मूवी को प्रोड्यूस भी किया है लूसी बैसोन ने। और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको टैक्सी 3 मूवी में देखने को मिल जाते हैं, सो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में सैमी नसेरी देखने को मिल जाते हैं। सैमी नसेरी जो कि एक फ्रेंच के ही एक्टर हैं, काफ़ी जाने पहचाने एक्टर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। उसके आगे फ्रेडरिक डेफेंथल देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मारियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाते हैं एंड बर्नार्ड फैरसी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूरोपा कॉरपोरेशन ने। एंड उसके आगे बात कर लेते हैं टैक्सी 3 मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ की, तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है यूरोपा कॉर्प, ARP सिलेक्शन, एपीपोलाई, TF1 फिल्म्स प्रोडक्शन एंड कैनल प्लस। उसके आगे रिलीजिंग डेट की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी रिलीज़ हुआ था जो कि 29 जनवरी 2003 में, जो कि फ्रांस में रिलीज़ हुआ था। रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 84 मिनट्स है। उसके आगे बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की, तो यह मूवी ऑफिशियली आपको फ्रेंच लैंग्वेज में देखने को मिलेगा क्योंकि फ्रांस की यह मूवी है, लेकिन आप इस मूवी को काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देख सकते हो। इस मूवी का डब्ड वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके आगे बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी का जो बजट है वो है $14.5 मिलियन एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $64.5 मिलियन का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सैमी नसेरी ने डैनियल मोरालेस के कैरेक्टर को प्ले किया है। फ्रेडरिक डेफेंथल ने एमिलाइन काउंटांट कैरबालेक के कैरेक्टर को प्ले किया है। मारियन कॉटिलार्ड ने लिली बर्टिनाउ के कैरेक्टर को प्ले किया है। बर्नार्ड फारसी ने कॉमिसेर गेरार्ड गेवर्ट के कैरेक्टर को प्ले किया है। एदाउड मैंटोटे ने एलेन के कैरेक्टर को प्ले किया है एंड एमा विकलंड ने पेट्रा के कैरेक्टर को प्ले किया है। जो मेन एक्ट्रेस हैं उसके आगे काफ़ी आपको को एक्ट्रेस भी इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने आपको इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में तो बता दिया है, अब बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। खुद को सेंटा क्लाउज गिरोह कहने वाले चोरों का एक समूह डकैती करने के लिए सेंटा क्लाउज की वेशभूषा का उपयोग करके कहर बरपा रहा है और मार्सिलिया पुलिस हमेशा की तरह ऐसा करने में असमर्थ है। अदिश्या ग्रवर्ट एक चीनी पत्रकार द्वारा अपने दस्ते पर एक कहानी लिखने से विचलित हो जाता है और लुटेरों को रोकने में असमर्थ है। जासूस एमिलियन की पत्नी पेट्रा
ने अभी घोषणा की है कि वह गर्भवती है और टैक्सी ड्राइवर डैनियल रिश्ते के संकट से जूझ रहा है। उसकी लंबे समय से पीड़ित प्रेमिका लिली सुबह 4 बजे उसे अपनी टैक्सी को अनुकूलित करते हुए देखकर उसे दूर चली गई और शिकायत की कि उसका घर महज एक गैरेज बन गया है और डैनियल ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। कई गलतियों के बाद, जिसमें चोर बार बार पुलिस को मात देते हैं, पत्रकार का अपहरण कर लिया जाता है। जय पता चला है कि पत्रकार सेंटा क्लाउस गिरोह का नेता है। पुलिस तलाश में जाती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के एक और असफल प्रयास के बाद एमिलियन को पकड़ लिया जाता है। पत्रकार को जाल बिछाया, वह एमिलियन को एक पुराने गोदाम में एक कुर्सी से बांधकर सीधे एक विशाल गेंद के रास्ते में छोड़ देती हैं, जो 5 मिनट बाद उसे कुचल देगी। आखिरी क्षण में डैनियल अपनी टैक्सी लेकर दौड़ता है और उसे बचाता है। वह गिरोह को स्विच पहाड़ों में उसके ठिकाने तक ट्रैक करते हैं, जहां पत्रकार और उसके साथियों को अल्पाइन सैनिकों की एक क्रैंक टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसके साथ एक विमान से छलांग लगाने के बाद गिवर्ट एक बर्फ से ढकी झील में उतरता है। पेट्रा बच्चे को जन्म देती है। डैनियल लिली को प्रपोज करता है और गिवर्ट को बर्फ से ढकी ग्लेशियर में इधर उधर धकेलते हुए देखा जाता है। सो ये इस मूवी का जो स्टोरी है, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा। एंड आपको बता दें कि टैक्सी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, मूवीज़ की फ्रेंचाइजी है, जिसका ये थर्ड पार्ट है। हमने इस वीडियो में थर्ड पार्ट का रिव्यू किया है एंड इसकी डिटेल्स आपको बताई हैं, कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के बारे में बताया है, प्लॉट के बारे में बताया है। और टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुआ था, जो कि सीक्वल था 2000 में रिलीज़ हुई टैक्सी 2 मूवी का। टैक्सी 2 मूवी 2000 में रिलीज़ हुई थी एंड टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। सो ये डिटेल्स हैं इस मूवी की, काफ़ी अच्छी आपको ये मूवी लगेगी अगर आपको एक्शन और कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली अगर आप फ्रेंच का सिनेमा देखना पसंद करते हो। आगे हम बात कर लेते हैं कि कहां पर आप टैक्सी 3 मूवी को देख सकते हो। अगर आप रैली में टैक्सी 3 मूवी को देखना पसंद करते हो, तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नेटफ्लिक्स एक ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म है एंड आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी होगी, फिर आप इस मूवी को देख सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। टैक्सी 3 मूवी का IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है एंड इस मूवी को 45,000 लोगों ने वोट्स किया है। सो यह कुछ डिटेल्स, आई होप कि आपको डिटेल्स अच्छी लगी होगी। ज़रूर से आप टैक्सी 3 मूवी को देख लेना एंड आज का यह मूवी रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और फिल्मी रिव्यू के इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें। तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सी 3 मूवी के बारे में। टैक्सी 3 मूवी जो कि साल 2003 में रिलीज़ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग साल 2003 में रिलीज़ होने वाली मूवी टैक्सी 3 मूवी को देखना पसंद करते हैं। सो अगर आप भी टैक्सी 3 मूवी के बारे में जानना पसंद करते हो, इस मूवी को देखना पसंद करते हो, तो आज के इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में टैक्सी 3 मूवी का रिव्यू देने वाले हैं। साथ ही में बात करेंगे इस मूवी की फुल टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है, किन्होंने डायरेक्ट किया है इस मूवी को, किन्होंने लिखा है इस मूवी को, कितने बजट में टैक्सी 3 मूवी को बनाया गया था और कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन टैक्सी 3 मूवी ने किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में हम फुल डिटेल में इस मूवी का
रिव्यू करने वाले हैं कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अगर आपको यह मूवी देखना चाहिए तो कहां पर आपको देखने को मिलेगा एंड IMDB रेटिंग पर कितना रेटिंग और कितना रिव्यूज़ इस मूवी को मिला हुआ है, फुल डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। टैक्सी 3 एक फ्रेंच की मूवी है जो कि 2003 में रिलीज़ हुई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो कि डायरेक्ट की गई है गेरार्ड क्रावेट्स द्वारा। गेरार्ड क्रावेट्स जो कि एक फ्रेंच के फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो टैक्सी 3 मूवी को लिखा है लूसी बैसोन ने। लूसी बैसोन जो कि एक फ्रेंच के ही फिल्म मेकर हैं जिन्होंने कि सबवे द बिग ब्लू ले फैमे निकिता जैसी मूवीज़ को बनाया है। प्रोड्यूसर की बात करें टैक्सी 3 मूवी को प्रोड्यूस भी किया है लूसी बैसोन ने। और एक्ट्रेस की बात करें कि कौन से एक्टर आपको टैक्सी 3 मूवी में देखने को मिल जाते हैं, सो इस मूवी में आपको लीडिंग रोल में सैमी नसेरी देखने को मिल जाते हैं। सैमी नसेरी जो कि एक फ्रेंच के ही एक्टर हैं, काफ़ी जाने पहचाने एक्टर हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है। उसके आगे फ्रेडरिक डेफेंथल देखने को मिल जाते हैं, उसके आगे मारियन कॉटिलार्ड देखने को मिल जाते हैं एंड बर्नार्ड फैरसी भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूरोपा कॉरपोरेशन ने। एंड उसके आगे बात कर लेते हैं टैक्सी 3 मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज़ की, तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज है यूरोपा कॉर्प, ARP सिलेक्शन, एपीपोलाई, TF1 फिल्म्स प्रोडक्शन एंड कैनल प्लस। उसके आगे रिलीजिंग डेट की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी रिलीज़ हुआ था जो कि 29 जनवरी 2003 में, जो कि फ्रांस में रिलीज़ हुआ था। रनिंग टाइम की बात करें तो इस मूवी का रनिंग टाइम 84 मिनट्स है। उसके आगे बात करें इस मूवी के लैंग्वेज की तो यह मूवी ऑफिशियली आपको फ्रेंच लैंग्वेज में देखने को मिलेगा क्योंकि फ्रांस की यह मूवी है, लेकिन आप इस मूवी को काफ़ी डब्ड वर्जन्स में भी देख सकते हो, इस मूवी का डब्ड वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके आगे बजट की बात करें एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो टैक्सी 3 मूवी का जो बजट है वो है $14.5 मिलियन एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $64.5 मिलियन का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन से एक्टर ने किसके कैरेक्टर को प्ले किया है इस मूवी में। सैमी नसेरी ने डैनियल मोरालेस के कैरेक्टर को प्ले किया है। फ्रेडरिक डेफेंथल ने एमिलाइन काउंटांट कैरबालेक के कैरेक्टर को प्ले किया है। मारियन कॉटिलार्ड ने लिली बर्टिनाउ के कैरेक्टर को प्ले किया है। बर्नार्ड फारसी ने कॉमिसेर गेरार्ड गेवर्ट के कैरेक्टर को प्ले किया है। एदाउड मैंथोटे ने एलेन के कैरेक्टर को प्ले किया है एंड एमा विकलंड ने पेट्रा के कैरेक्टर को प्ले किया है। जो मेन एक्ट्रेस हैं उसके आगे काफ़ी आपको को एक्ट्रेस भी इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं। उसके आगे बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने आपको इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में तो बता दिया है, अब बात कर लेते हैं मूवी के प्लॉट के बारे में। खुद को सेंटा क्लाउज गिरोह कहने वाले चोरों का एक समूह डकैती करने के लिए सेंटा क्लाउज की वेशभूषा का उपयोग करके कहर बरपा रहा है और मार्सिलिया पुलिस हमेशा की तरह ऐसा करने में असमर्थ है। अदिश्या ग्रवर्ट एक चीनी पत्रकार द्वारा अपने दस्ते पर एक कहानी लिखने से विचलित हो जाता है और लुटेरों को रोकने में असमर्थ है। जासूस एमिलियन की पत्नी पेट्रा ने अभी घोषणा की है कि वह गर्भवती है और टैक्सी ड्राइवर डैनियल रिश्ते के संकट से जूझ रहा है। उसकी लंबे समय से पीड़ित प्रेमिका लिली सुबह 4 बजे उसे अपनी टैक्सी को अनुकूलित करते हुए देखकर उसे दूर चली गई और शिकायत की कि उसका घर महज एक गैरेज बन गया है और डैनियल ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। कई गलतियों के बाद जिसमें चोर बार बार पुलिस को मात देते हैं, पत्रकार का अपहरण कर लिया जाता है।
जहां पता चल चल चला है कि पत्रकार सेंटा क्लाउस गिरोह का नेता है। पुलिस तलाश में जाती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के एक और असफल प्रयास के बाद एमिलियन को पकड़ लिया जाता है। पत्रकार को जाल बिछाया, वह एमिलियन को एक पुराने गोदाम में एक कुर्सी से बांधकर सीधे एक विशाल गेंद के रास्ते में छोड़ देती हैं, जो 5 मिनट बाद उसे कुचल देगी। आखिरी क्षण में डैनियल अपनी टैक्सी लेकर दौड़ता है और उसे बचाता है। वह गिरोह को स्विच पहाड़ों में उसके ठिकाने तक ट्रैक करते हैं, जहां पत्रकार और उसके साथियों को अल्पाइन सैनिकों की एक क्रैंक टीम द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसके साथ एक विमान से छलांग लगाने के बाद गिवर्ट एक बर्फ से ढकी झील में उतरता है। पेट्रा बच्चे को जन्म देती है। डैनियल लिली को प्रपोज करता है और गिवर्ट को बर्फ से ढकी ग्लेशियर में इधर उधर धकेलते हुए देखा जाता है। सो ये इस मूवी का जो स्टोरी है, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छा लगा होगा। एंड आपको बता दें कि टैक्सी एक पूरी मूवी की सीरीज़ है, मूवीज़ की फ्रेंचाइजी है, जिसका ये थर्ड पार्ट है। हमने इस वीडियो में थर्ड पार्ट का रिव्यू किया है एंड इसकी डिटेल्स आपको बताई हैं, कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के बारे में बताया है, प्लॉट के बारे में बताया है। और टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुआ था, जो कि सीक्वल था 2000 में रिलीज़ हुई टैक्सी 2 मूवी का। टैक्सी 2 मूवी 2000 में रिलीज़ हुई थी एंड टैक्सी 3 मूवी 2003 में रिलीज़ हुई थी। सो ये डिटेल्स हैं इस मूवी की, काफ़ी अच्छी आपको ये मूवी लगेगी अगर आपको एक्शन और कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली अगर आप फ्रेंच का सिनेमा देखना पसंद करते हो। आगे हम बात कर लेते हैं कि कहां पर आप टैक्सी 3 मूवी को देख सकते हो। अगर आप रैली में टैक्सी 3 मूवी को देखना पसंद करते हो तो इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नेटफ्लिक्स एक ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म है एंड आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को देख सकते हो। आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी होगी, फिर आप इस मूवी को देख सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग की। टैक्सी 3 मूवी का IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है एंड इस मूवी को 45,000 लोगों ने वोट्स किया है। सो यह कुछ डिटेल्स, आई होप कि आपको डिटेल्स अच्छी लगी होगी। ज़रूर से आप टैक्सी 3 मूवी को देख लेना एंड आज का यह मूवी रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर देना और फिल्मी रिव्यू के इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले सभी मूवी के रिव्यूज़ और मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें।